चाची आपका नाम क्या हुआ? बिगनी देवी। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड से पद। कौन सा वार्ड है? 13 नंबर। आपका लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से कार्य कीजिएगा? विकास के कार्य। विकास के। आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र कुमार राम हो गया। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी मम्मी लड़ रही है, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि समाज में हो रहे कुरीतियाँ और समाज के विकास और समाज के साथ जीने मरने का कसम खा रहे हैं हम लोग कि समाज में जो भी योजना आती है सब योजनाओं का लाभ हम यहाँ देंगे और समाज में का उत्थान का काम हम लोग करेंगे कि उत्थान इतना उत्थान हो कि जो ये झोपड़ी दिख रही है, जो झोपड़ी ये महलों में परिवर्तन करने का काम हम लोग करेंगे। पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब नगर परिषद में आ गई है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? इसको तो एक खुशी की लहर में हम लोग मान रहे हैं कि खुशी की लहर है कि हम लोग यानी समझ लीजिए कि हम लोग थोड़ा प्रमोशन कर गए हैं, यानी ग्राम पंचायत से नगर परिषद में प्रमोशन किए हैं, जिसके चलते खुशी की लहर है और हम लोग वार्ड परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार मौका हमें दें और विकास की नदी तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन विकास तो जरूर कहेंगे, क्या कि विकास की नदी एक धरोहर यानी कहा जा सकता है, यानी धरोहर दिखा के वोट ले लेना। लेकिन मैं वो वादा नहीं करता हूँ, मैं वो वादा करता हूँ कि जो सामने प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा, यानी प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से हर समाज यानी इस वार्ड में जितने भी हमारे हर समुदाय के लोग बिलोंग करते हैं, हर समुदाय के साथ मैं जीने मरने का साथ हर वक्त खुशी से लेकर दुख में शामिल होने का काम करूंगा और जितना हो सके बन पड़े उतना हम अपने जो सभापति होंगे उनसे अपना विकास लेने का काम करूंगा और विकास के साथ अपना अपने समाज अपने इस वार्ड को यानी हर समय हर वक्त यानी हर दुख सुख में शामिल होंगे। वार्ड में मतदान है हो रही है जिसमें हमारा क्रम संख्या 6 पर काठगाड़ी छाप निशान है, इससे हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि यदि हम पे विश्वास है और यदि हमसे उम्मीद रखते हैं कि यह विकास कर सकते हैं तो हमारे ये क्रम संख्या 6 पे काठगाड़ी छाप पे मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बना गया। आप लोगों को क्या उम्मीद है, किस प्रकार से काम कर पाएंगे? तो अभी तो कोई काम नहीं किए हैं, आगे जो काम क्या उम्मीद लगा के रखे हुए हैं? उम्मीद लगा के अच्छा रखे हुए आगे आगे अच्छा काम करेंगे। जैसे में गांव के विकास हो, काम हो, रोड है, नाली है, रास्ता हो, दूसरा क्या है? गांव को पब्लिक के दूसरा कौन चीज है? इनका साथ दे रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है सर? वार्ड के कार्यकर्ता लायक यह व्यक्ति है, इस वजह से पढ़ा लिखा है, ये है योजना के बारे में पता करके काम को विकास कराने के लायक ये लड़का है। इनसे क्या उम्मीद आप लोग लगा कर रखे हुए हैं? रखे हुए हैं जो गांव के वार्ड के विकास करेंगे, योजना लाएंगे गांव के विकास। कारण क्या है इनका साथ दे रहे हैं खुलकर आप लोग? साथ दे रहे हैं कि अच्छा आदमी है। इनसे क्या उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, क्या उम्मीद है इनसे, किस प्रकार से विकास कर पाएंगे? करेंगे जो काम आएगा वो सब करेंगे, विकास करेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति काम होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति है, पूरा लोग को हर एक समय साथ देते हैं। क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद है सर उनसे काम करेगा, काम करने वाला आदमी है, साथ देता है, दुख सुख में धोखाधड़ी नहीं होने देगा। क्या उम्मीद है आपको इनसे? हमें तो बहुत उम्मीद है। किस प्रकार से काज कर पाएंगे, क्या आप लोग के भरोसे पर खड़े उतर पाएंगे? किस प्रकार से उम्मीद लगा के रखे हुए आप लोग? पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो काम विकास कराएंगे, गांव वाले है, गांव के लड़का है, बढ़ेगा। क्या समर्थन दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? काम क्या रहे सर, मेरे गांव का विकास होगा, वार्ड का विकास होगा। उम्मीद क्या है इनसे? उम्मीद बहुत उम्मीद है, काम कराने वाले आदमी। कारण क्या है इनका साथ दे रहे हैं खुलकर? ये काम कराएंगे, चारू बगल जाके दरखास्त या ऑफिस से हर तरह से काम लाएंगे काम गांव का विकास होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।